पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन क्या होगी। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कंपोनेंट है वो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बात ही खत्म। अब दूसरी चीज़, आपको ई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 40। ये क्या गिवन है, ई नॉट इज इक्वल टू 40। तो आप यहाँ से सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट से क्या निकाल सकते हैं, बी नॉट। तो ई नॉट बाय बी नॉट से क्या आ जाएगा, बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि वेव प्रोपगेशन के कैप में है, वेव प्रोपगेशन के कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तो पक्की बात है आंसर जे कैप में आना चाहिए। तो आपका आंसर जे कैप में, ये दो आंसर बनते हैं सी और डी में से। और बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सी इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड 40 बाय बी नॉट है, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिवाइडेड बाय सी। ये रहा आंसर, क्या आसान क्वेश्चन है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 40 वोल्ट, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 40 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन तो ओमेगा भी आ जाएगा, डायरेक्टली अक्रॉस द कैपेसिटर सी की वैल्यू भी पता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसको देखो करना कैसे है, समझो। ये देखो, आपको वी नॉट पता है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, कैपेसिटेंस पता है। वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी में आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो वी नॉट पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस निकाल ली आपने इसमें वी की वैल्यू, वी नॉट तो पता ही है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट में एनसीईआरटी के अंदर करवाया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है सी इंटू डीवी बाई डीटी। तो तुम सी की वैल्यू तो पता है तुम्हें, और वी की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर पुट करके डिफ्रेंशिएट करें, साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस में आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। पर तुम्हें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहले इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालनी है, फिर उस इंस्टेंटेनियस को यहां पुट करना है जो कि साइन फंक्शन होगा, वो अपने आप कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू 1 पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वी आपको पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको म्यू आर पता है, परमिटिविटी आपको निकालनी है क्या होगी, परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है इसमें क्या होगी। तो क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसे। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, क्लियर है। तो यहां से चेक करके देख लो आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपको गिवन है, इंटेंसिटी एसोसिएटेड क्या होगी, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला। आपको यहां से पता क्या लग जाएगा, ई नॉट, साइन के आगे जो नंबर है वो क्या है, ई नॉट। और अगर ई नॉट पता है तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर लेना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, इंटेंसिटी आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहां तक। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि यहां से वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा इंटेंसिटी का। नेक्स्ट देखो,
क्या गिवन है, एवरेज फोर्स दे रहा है वो आपको कितनी लग रही है, और ये आपको पावर, ये आपको इंटेंसिटी भी दे रहा है 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी दे रहा है, फोर्स दे रहा है और टाइम भी दे रहा है, एरिया पूछ रहा है। बस मुझे ये बताओ, जिस भी क्वेश्चन में याद रखना फोर्स और एरिया का कॉम्बिनेशन है, समझो रेडियंट प्रेशर की बात हो रही है। और प्रेशर का फॉर्मूला एक ही करवा रखे है, आई बाई सी, चेक कर सकते हो। तो ये देखो फोर्स बाय एरिया, ये देखो प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला लास्ट टाइम क्या करवाया था, आई बाई सी। प्रेशर को क्या लिख लिया, फोर्स बाय एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, एरिया। आंसर, जिन जिन क्वेश्चन में प्रेशर और एरिया गिवन होगा, फोर्स और एरिया गिवन होगा, समझो वहां प्रेशर लगेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, अ प्लेन ई एम वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। आपको इसकी वेवलेंथ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड गिवन है, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखो इसके ना कई हिंट हैं क्वेश्चन के, जहाँ तक मुझे लगता है। पहला हिंट है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पता है। जब तुम्हें ई नॉट पता है तो तुम ई नॉट बाय बी नॉट लगा के बी नॉट तो निकाल ही सकते हो, ई नॉट बाय सी हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो तुम्हारे पास सॉल्व करके या ये आंसर आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, या तो 60 आएगा या ये आएगा। मेरे ख्याल से ए और डी में से आना चाहिए, 60 आंसर तो आ भी नहीं सकता। ठीक है, आंसर यहाँ तक क्लियर है? सबको पहला कोफिशियंट बी का पता लग गया, बी का कोफिशियंट क्या है। दूसरा हिंट, आपको क्या गिवन है, वेव लेंथ गिवन है। वेव लेंथ पता है तो के क्या होता है, 2 पाई बाय लैमडा। तो तुम के निकाल लो 2 पाई बाय लैमडा से, तुम्हारे पास के आ गया। तो तुम यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ वेव के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो तुम कंपेयर करके देखो के एक्स में ये के है, ये के है, ये के है और ये के है, तुम्हारे पास कुछ आंसर आ रहा होगा के का 2 पाई बाय लैम्डा से। चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, 2 पाई बाय लैम्डा से चेक कर लो, क्योंकि आपका आंसर या तो ये या ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इनमें से देखो क्या आंसर आ रहा है, के का वहां से आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आ रहा है, ए पार्ट आ रहा है, तो इसका आंसर ए पार्ट है, सही है। नेक्स्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इधर देखो ये ई नॉट है, ई नॉट से बी नॉट तो आ ही जाएगा, कैसे, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट से बी नॉट तो आ ही गया। तो इसके कोफिशियंट 1 10.5 है, एक एक या ये इनमें से चेक करो, अगर तो इनमें से हुआ तो वैसे ही आंसर आ गया। तो क्या आ रहा है इसका कोफिशियंट, डी आ रहा है, बात ही खत्म, 105 आ रहा है, डन, क्लोज होगी गेम, आगे कुछ चेक नहीं करना, कोफिशियंट ही बता गया बी नॉट का क्या आंसर है कि नहीं। इसके क्वेश्चन आ रखे 45 के 45, ऐसे हैं मजे की बात, इससे आसान होते जाएंगे तो मुश्किल है। मतलब जब भी आपने तैयारी करनी हो ईएमएम को कभी छोड़ के मत जाना, आपका ये क्वेश्चन तो पक्का ठीक होने वाला है। देखो नेक्स्ट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस सी पता है, इट इज़ कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है,
230 वोल्ट एसी सप्लाई का मतलब आरएमएस गिवन है, और आपको ये फ्रीक्वेंसी पता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। देखो एक चीज तो पक्की है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बराबर होती है, चेंज थोड़ा होती है। जो वायर का करंट है वही कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनमें से आंसर निकालना है। तुम इस प्रॉब्लम को ना डिस्प्लेसमेंट करंट छोड़ो, एसी से सॉल्व कर दो, तुम वायर का करंट निकाल लो। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें सी पता है, वोल्टेज पता है, तुम वी बाई एक्स सी कर दो, तुम्हारे पास करंट आ गया। जो यही करंट आ गया वही आपका फाइनल करंट है आंसर। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तो लंबा तरीका है, जरूरत ही नहीं है। तो तुम इस फॉर्मूले से करंट की वैल्यू निकाल लो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है इसमें, सही है। नेक्स्ट, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ई एम वेव की 3×10^8 है, अपने केमिस्ट्री लगा दो, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आंसर। ये लो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गया आंसर, सही, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ई एम वेव की प्रोपोगेशन गिवन है, इंटेंसिटी निकालनी है, कितना आसान क्वेश्चन है। ई का कोफिशियंट क्या देता है, ई नॉट, और ई नॉट आ गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर लेना आंसर, एनर्जी डेंसिटी इनटू सी क्या होती है, इंटेंसिटी आंसर, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी गिवन आई गिवन है, फॉल नॉर्मली ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इज एब्जॉर्ब कम्प्लीटली, तो रेडिएशन प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू वॉट? रेडिएंट प्रेशर निकालना है, प्रेशर इंटेंसिटी बाई सी है, तो इंटेंसिटी आपको गिवन तो है, ये लो फिर आंसर आ गया, पर एक कन्फ्यूजन है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये वैक्यूम नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ऑप्टिक्स में, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3, ये डेंसर मीडियम है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला जो होता है रेडिएंट प्रेशर का वो होता है आई डिवाइडेड बाई सी, जब ई एम वेव किस में है, वैक्यूम में, अगर किसी मीडियम में है तो प्रेशर का फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाई वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सी बाई वी, तो वी क्या होता है सी बाई म्यू, पुट कर दो तो यहाँ से पुट करके आंसर म्यू टाइम्स हो जाएगा, दिस इज द आंसर, तो आपका रिजल्ट म्यू टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम नहीं है तो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? बस यही फर्क है, इसमें मीडियम चेंज कर दिया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां तक ध्यान से देख लेना, मीडियम अगर वन है तो ही लगाना आई बाई सी, नहीं लगाना तो सी की जगह वी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, क्या ऑप्शन है? तो ये जो फॉर्मूला है ये तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, ये फॉर्मूला फेराडेज लॉ है डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला गॉस लॉ है, ये फॉर्मूला गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, कौन सा ऑप्शन है? सी, डन सी, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ई नॉट पता है तो वहां से सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट से बी नॉट आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, और एक चीज याद रखना कि जो वेव की प्रोपगेशन होती है वो पैरेलल टू क्या होती है, ई क्रॉस बी होती है, तुम्हारे पास ई वेक्टर कहां पर है, जे कैप है, वेव की प्रोपगेशन कहां पर है, आई कैप है, तो क्रॉस क्या करूं क्या आंसर आई आ जाए, के कैप, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, ठीक है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल दो, लो फिर वही सेम क्वेश्चन, ई नॉट पता है तो बी नॉट तो आ ही जाएगा, तो जो सी होता है वो ई नॉट बाई बी नॉट है, बी नॉट ई नॉट बाई सी है, तो ई नॉट बाई सी यानी कि या तो आंसर ए है या आंसर बी है, और क्योंकि ये फंक्शन सेम होना चाहिए तो लो ये फंक्शन सेम है, तो मेरे ख्याल से ए ही आंसर बन रहा है इसका, बिल्कुल क्लियर कट ही आंसर है।
टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज गिवन, टोटल एनर्जी गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, मोमेंटम डिलीवरी हमें पता है मोमेंटम कितना ट्रांसफर होता है, यू बाई सी फॉर्मूला लिखवाया था, एनर्जी बाई सी आंसर, तो यू बाई सी कर लेना आंसर या ई बाई सी करने की बात है, सही है यहां तक। नेक्स्ट इन प्लेन ई एम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसी पता है और ई की वैल्यू पता है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव का मतलब ई एम वेव, ई एम वेव की इंटेंसिटी बतानी है टोटल क्या होगी। भाई जब तुम्हें ई नॉट ही दे दिया फिर तो आंसर ही खत्म हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इंटेंस की वैल्यू क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, इंटेंसिटी पूछता सी से मल्टीप्लाई करता, इंटेंसिटी नहीं पूछी सी से मल्टीप्लाई नहीं किया आंसर। तो ई एम वेव की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है हमने किया था फॉर्मूला, और इंटेंसिटी और ई एम वेव की एनर्जी में एक सी का ही तो फर्क है। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हेन ईएम वेव स्ट्राइक अ सरफेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट फॉर अ प्लेन ईएम वेव ई और बी गिवन है, रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होगी, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है और आधी मैग्नेटिक है, एनर्जी डेंसिटी दोनों की बराबरी तो होती है, इक्वल कर दो, वन इज टू वन इज द आंसर, वन इज टू वन इज द आंसर। बिल्कुल फॉर्मूला पूछा गया है, ये देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक में एप्सिलॉन नॉट की जगह वन बाई म्यू नॉट, ई की जगह बी, आंसर बी ऑप्शन, फॉर्मूला पूछा है फॉर्मूला मार्क कर लेना बी ऑप्शन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स विद, देखो जब भी SHM की बात होगी SHM का टाइम पीरियड अगर T है, एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा T बाई टू है, एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा T बाई टू है, तो अगर एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ है तो फ्रीक्वेंसी डबल है, क्योंकि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डबल बी ऑप्शन, डबल दी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यार, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, बी नॉट दे रहे ई नॉट पूछ रहे, आंसर सही है। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंटेंड इन वॉल्यूम। तुम एक काम करो, तुम्हें ई नॉट पता है, ई नॉट पता है, तुम एनर्जी डेंसिटी निकाल लो। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लो। तो पहले तुम एनर्जी डेंसिटी निकाल लो, एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आधी कहानी तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट पे है और आधी एनर्जी डेंसिटी पे। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ के पहले तो ई एम में भी तैयारी कर जाना। इलेक्ट्रोस्टैट में तो फिर भी 4 दिन लगाओगे, इसमें तो 2 घंटे में तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं? ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई एम वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन एट पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम। ई गिवन है, वॉट इज बी एट दिस पॉइंट? आसान, ई पता है, बी निकाल लेना। C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, बी नॉट आ गया। अब डायरेक्शन बता देना, वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप है, और ये लिख लेना कि जो वेव प्रोपगेशन है इज पैरेलल टू क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वेव प्रोपगेशन आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप है, क्या पुट करूं, आई आ जाए के कैप, आंसर। नेक्स्ट ये तो आसान है, ये तो बी ऑप्शन है, याद करो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी फाई बाई डी टी, बी ऑप्शन। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम नहीं की थी, माइनस डी फाई बाई डी टी। सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मे बी, टाइम वेरिंग का मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करवाना है उसका सोर्स क्या होगा, कौन चेंज करवा सकता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कौन प्रोड्यूस करवाएगा? ये तो पक्का करवाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव, तो रिटार्डिंग चार्ज कैन आल्सो प्रोड्यूस ईएम वेव और वो टाइम वेरिंग है। तो आंसर कोई कहता है ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली विद टाइम, लीनियरली नहीं साइनोसाइडली होता तो आंसर होता, लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसको बढ़ना और चेंज करना है, तो इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन ओनली। ये तो इजी क्वेश्चन है, ई एम वेव एट एन इंस्टेंट पर्टिकुलर पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एम वेव। ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट
रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी टू टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ, क्योंकि आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है आधी मैग्नेटिक है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो हाफ। ये क्वेश्चन नया है, ये नहीं आता होगा, ये तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और के वेक्टर क्या है? वेव प्रोपगेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कंफ्यूजन पता है क्या है? के क्रॉस ई करें कि ई क्रॉस के करें? ओमेगा नीचे लें कि ओमेगा ऊपर लें? ठीक, फॉर्मूला नोट करो, जो मैं लिख रहा हूं वो नोट करना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो के कैप क्रॉस ई कैप के पैरेलल है। लिखें, पहला स्टेप, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो के कैप क्रॉस ई कैप के पैरेलल है, ये फॉर्मूला। अगला स्टेप लिखें, के कैप क्रॉस ई वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लिखें, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखें। ठीक है, तो जो बी की जो डायरेक्शन है वो ये बी की डायरेक्शन है, राइट। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी का मैग्नीट्यूड है ई डिवाइडेड बाय सी। और अगर बी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड के पीछे क्या लगानी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो ये रही इसकी डायरेक्शन, ई से ई क्या हो गया? कैंसल, ठीक, कैंसल हो गया। और इसमें बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय सी इंटू के कैप का मतलब अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इंटू ई वेक्टर ऐसे, राइट। लास्ट स्टेप है, जो ओमेगा होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी? ओमेगा की वैल्यू होती थी के इंटू सी, क्योंकि के क्या होता था? ओमेगा बाय वेलोसिटी। वेव की इक्वेशन में के क्या होता था? ओमेगा बाय वेलोसिटी। तो इसकी जगह ओमेगा पुट कर लें, आंसर मार्क कर लें, या सीधा फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला है बी वेक्टर इज के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय ओमेगा। बस ये फॉर्मूला याद कर लें, आज के बाद वेव प्रोपगेशन ई वेक्टर पता है, ई के वेक्टर पता है, के क्रॉस ई बाय ओमेगा विल गिव बी वेक्टर। ये नया फॉर्मूला नोट कर लें। हाँ, ये एक नई चीज़ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया किसी के सेट में और फिर ना कर रखा हो तो फंस सकता है, पर मेरे ख्याल से अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद हो गया। सही, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है 29। क्या हुआ? ये लास्ट फाइन का क्वेश्चन था, देखते ही पता लग रहा है ये ऑप्शन है। देखो, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई क्या, के क्या होता है? सी या वेलोसिटी, अभी किया हमने। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? वैसे ये भी सही है। ये देखो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रिजल्ट लिख लिया मैंने। इस रिजल्ट में ई नॉट इंटू के बाय ओमेगा इस बी, पिछला क्वेश्चन हो गया है। तो ये ऑर्डर याद करना है कि के क्रॉस ई होता है, ये सही है ना प्रूफ? ऑर्डर याद कर लो, बाकी कोई चक्कर ही नहीं है। तो एक मिनट में प्रूफ ही हो गया, अभी अभी मैंने ध्यान से देखा, पिछले बैच में भी नहीं देखा इतने ध्यान से, अभी दो मिनट लगाए तो ध्यान से देखा। ये तो वही बात करे जा रहा है, ओमेगा और ई और बी में क्या रिलेशन है। चलो सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, बस ऑर्डर याद कर लेना, बाकी कोई चक्कर नहीं। हो गया, नेक्स्ट। आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। लिख लेता हूं पहले मैं यहां पे,
वेव प्रोपगेशन जो होती है पैरेलल टू ई क्रॉस बी होती है, राइट। तो ये कहां पर है, माइनस के कैप में है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है। क्रॉस क्या करें कि आंसर आ जाए, जे क्रॉस क्या करें कि माइनस के आ जाए, आए जे, हाँ जे क्रॉस आए। तो जे क्रॉस आए का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, राइट, सही है। तो आधी गेम तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस चल रही है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है 31, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ईएम वेव न्यूट्रल होती हैं, ईएम वेव न्यूट्रल होती हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ही नहीं होती। तो सही है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आंसर 1/μ0ε0 होता है स्पीड का। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, सही है। नेक्स्ट, तो क्या गिवन है, स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एब्जॉर्ब लाइट पल्स ऑफ पावर, पावर पता है, ड्यूरेशन पता है, पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी, यहाँ से एनर्जी आ जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट पता है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी बाय सी, तो कर लेना, एनर्जी बाय सी मोमेंटम है, एनर्जी पावर इनटू टाइम है, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, तो पॉइंट सोर्स पावर पता है, लाइट ऑफ 5% एफिशिएंसी, एक काम करना पड़ेगा 100 वाट पावर की जगह इसका 5% यानी कि 5 वाट यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस याद रखना, जब एक पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स 5 मीटर दूर, एरिया कितना कवर करता है, 4π × 5 का स्क्वायर एरिया आ गया, पावर निकल आएगी, इंटेंसिटी क्या है क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है ये, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड क्या है, पावर, तो पावर क्या है 5% of 100 और एरिया हमें पता है, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, ई नॉट पता है 540, बी नॉट बताना है, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, बी नॉट की वैल्यू आ गई आंसर। और सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, ये टाइप के क्वेश्चन तो आपकी सीबीएसई के अंदर भी सेम है, मतलब मेरे को लगता है आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी हो रही है, बोर्ड का पेपर इस लेवल का आना है कम से कम, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बेसिक तो कम से कम सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट पे क्वेश्चन तो आ ही सकता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पता है, ई नॉट पूछ रहा है, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट आ गया, ये भी आसान हो गया, सही है। नेक्स्ट, बी नॉट पता है, ई नॉट पूछ रहा है, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, आंसर आ गया, बी नॉट आ गया, ई नॉट आ गया, सॉरी यहां से, सही है, क्या सही है। नेक्स्ट,
क्या क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट से बी नॉट भी आ जाएगा, स्पीड आपको पता है, चार्ज आपको क्यू पता है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्यू ई नॉट, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बी क्यू वी। तो यहाँ से क्यू कैंसल, ई नॉट आपको पता है, बी नॉट आप निकाल लेंगे, स्पीड आपको पता है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की रेशियो निकालनी है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मेरे हिसाब से ये तो पक्का ठीक है, एनर्जी इन ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि तीनों डायरेक्शन पर पेंडिकुलर होती हैं, ये तो है नहीं। बी पक्का ठीक है, सी ऑप्शन नहीं, गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ, हाँ डी पक्का ठीक है, डी पक्का ठीक है, बी पक्का ठीक है, बी एंड डी सही है, बी ऑप्शन है, बी एंड डी सही है। देखो इसमें क्या करना है आपको, दो तरीके हैं, तुम्हें यहाँ पता है एयर में स्पीड सी है, मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है वो सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर होती है, वी वन आ गया, फिर वी वन से वी टू निकाल लेना, इसकी ज़रूरत क्या है, सीधा इसी मीडियम में क्यों नहीं अप्लाई कर देते, म्यू और आर पता तो है, तो सीधा इसी में अप्लाई करो, वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से क्या आएगा, वी आ जाएगा आंसर। मतलब लाइट तो 100 मीडियम चेंज करके आएगी, तो तुम 100 मीडियम में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसी में कर लो आंसर आ जाएगा सीधा, वो तो बेस, वो तो हमेशा वैक्यूम के साथ कंपैरिजन है, फॉर्मूला वैक्यूम के साथ कंपैरिजन करके सी ही रहता है, तो ये किसी भी मीडियम के अंदर एप्लीकेबल है। तुम ये बताओ अगर ये लाइट घूम के वापस यहाँ पे आ जाए, स्पीड तो वही रहेगी, यानी कि रिस्पेक्टिव जिस मीडियम में काम होना है उसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आगे पीछे तो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, चाहिए नहीं है, सही है वैसे। और वैसे एक बात बताऊँ, सोल्यूशन भी ऐसे तैयार कर रखा है इसने, पहले इसने वी वन से निकाला फिर वी टू निकाला, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दूसरे बैच में भी ट्राई किया था हमने, इस मीडियम में डायरेक्ट लगाओगे आंसर आएगा। तो कह रहे सनलाइट फॉल कर रही है और एवरेज फोर्स गिवन है, टाइम भी पता है, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी निकालो,
तो आपको इस क्वेश्चन में एरिया भी पता है यार, फोर्स और एरिया पता है, तो प्रेशर पता है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज आई बाय सी, इंटेंसिटी निकाल दो, आई निकालना है। एनर्जी फ्लक्स का दूसरा नाम इंटेंसिटी है, एनर्जी फ्लक्स लास्ट टाइम क्या था, इंटेंसिटी को बोलते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या गिवन है, म्यू आर, एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या गिवन है, एप्सिलॉन आर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यूनिट्स देखो, ये बी नहीं है, ये एच है। व्हाट विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो ई निकालना है। देखो एक काम करते हैं, स्पीड क्या होती है, ई डिवाइडेड बाय बी स्पीड है, मीडियम वैक्यूम तो है नहीं, तो इसको किसके इक्वल करेंगे, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर करेंगे, राइट, क्योंकि वी इज इक्वल टू ई बाय बी। आपको क्वेश्चन में ई पता है, सी पता है, सब कुछ पता है, बी की जगह क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू एच इंटू म्यू आर, वैक्यूम नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एच में यहां पे म्यू नॉट, बी में म्यू नॉट इंटू एच नहीं पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर पुट करेंगे, कि ये मीडियम वैक्यूम नहीं है। अब सॉल्व करके देख लो आंसर आ रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अरे आंसर ठीक है, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वॉट पावर गिवन है, व्हाट विल बी द पीक मैग्नेटिक फील्ड एट 4 मीटर डिस्टेंस, एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एफिशिएंसी सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, तो पहले पावर की वो एफिशिएंसी निकाल लो ना इसकी, कैसे इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले निकालनी पड़ेगी इंटेंसिटी, कैसे, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड क्या है, पावर, पावर बाय एरिया करके इंटेंसिटी आ जाएगी, और पावर सारी मत लेना, 3.5% को मल्टीप्लाई करके लेना, इंटेंसिटी से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आंसर, पहले निकलेगी इंटेंसिटी फिर निकलेगा बी नॉट, क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इंटेंसिटी से बी नॉट और ई नॉट निकालना हमें आता है। सेम क्वेश्चन, ई नॉट पता है, इंटेंसिटी निकाल दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, इंटेंसिटी आ गई, वही फॉर्मूले बार 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 3 साल से रिपीट हो जा रहे हैं, देख रहे हो आप, 3 साल के पेपर से पता लग रहा है कि चौथे साल में क्या आने वाला है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पता है, परमेबिलिटी पता है, परमिटिविटी निकालना है, तो सी वी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर,
वी और सी का फॉर्मूला तो पता ही है आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में गिवन है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट्स में गिवन है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आपको क्या निकालना है? आपको ना एच की इक्वेशन निकालनी है। आप एक काम करो, आपको ई नॉट पता है, आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, बी नॉट निकाल सकते हैं, राइट। बी नॉट आ गया, बी नॉट आ गया तो बी नॉट होता क्या है, म्यू नॉट इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या होती है, बी नॉट बाय म्यू नॉट आंसर। तो एक बार इस वैल्यू के साथ यहां पे पुट करके बी नॉट निकाल के एच निकाल लेना, फिर सेम इस वैल्यू के साथ भी कर लेना और ऑप्शन को मार्क कर लेना आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें?